माँ सिद्धिदात्री या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ईशा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम माँ की महिमा में। आप सभी को IIMT परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दर्शन करेंगे आदि शक्ति के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के। माँ दुर्गा जी के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। यह सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के निचले हाथ में कमल पुष्प है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी मनोकामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरण का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना को प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ की महिमा कार्यक्रम के द्वारा हमने 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन व कथाओं को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आपको हमारा यह विशेषांक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहिए IIMT मीडिया के साथ। माँ सिद्धिदात्री आपकी मनोकामना पूर्ण करे। माँ दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता।